हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है डेटाबेस कनेक्शन सेटिंग्स। इस वीडियो सेशन में गाइस हम ये देखने वाले हैं कि जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था हम उसे अपने एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर जो हमने टेबल बनाया था एम्प्लॉयज़ के नाम से, उस टेबल के साथ हम अपना करंट एप्लीकेशन के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। सो चलिए चलते हैं डेटाबेस में। ये डेटाबेस है जो हमने क्रिएट किया था php_imp_db। इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक टेबल से कॉल्ड एम्प्लॉयज। इस एम्प्लॉयज टेबल में हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, ईमेल, फोन एंड डेजिग्नेशन। बट हमें इस वीडियो में टेबल के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, क्योंकि हम सबसे पहले अपने डेटाबेस को अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे। एक बार अगर डेटाबेस से हमने अगर कनेक्ट कर लिया, उसके बाद जो हमने जो टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉयज, इसके साथ हम अपने क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट मीन्स करंट के सारे ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैं चाहूँगा अपने इस एप्लीकेशन में, ये रहा हमारा फाइल db-config.php, और इस फाइल के हेल्प से हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं PHP। इसके बाद हम सबसे पहले अपने कुछ कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने वाले हैं, जैसे कि हमारा जो डेटाबेस है वो है हमारे इस लोकल होस्ट में। इस डेटाबेस का एक स्पेसिफिक नेम है। इस डेटाबेस तक पहुंचने के लिए हमारे पास php-myadmin का यूजर नेम पासवर्ड है। सबसे पहले हम कनेक्शन स्ट्रिंग्स को क्रिएट करेंगे। डिफाइन, अगर मैं एक सिंगल लाइन कमेंट ऐड कर दूं यहाँ पर, डिफाइन कॉन्स्टेंट्स फॉर डेटाबेस। डिफाइन ये एक PHP फंक्शन है जिसको यूज करके हम PHP के अंदर अपने कॉन्स्टेंट वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इस एडिटर का इंटेलिजेंस अगर देखें, सबसे पहले हमें जो पास करना है वो होगा हमारा कॉन्स्टेंट का नेम, उसके बाद होगा हमारा वैल्यू। यहाँ पर हम सबसे पहले पैरामीटर में हम कॉन्स्टेंट का नाम पास करने वाले हैं। मैं पास करूँगा फॉर एग्जाम्पल db_host, और यहाँ पर जो वैल्यू हम पास करने वाले हैं वो होगा लोकल होस्ट, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो लोकल होस्ट में एस्टैब्लिश्ड है। उसके बाद हम एक नेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, मीन्स नेक्स्ट कॉन्स्टेंट क्रिएट करने वाले हैं, db_database_name, और इसके अंदर जो वैल्यू हम पास करेंगे, अगर मैं जाऊँ php-myadmin, मैं कॉपी करूँगा अपने डेटाबेस नेम को, उसके बाद हम जाएंगे अपने एडिटर में और इसे हमें आप पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें दो और वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, दैट इज फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। डिफाइन db_username, और मेरे सिस्टम में php-myadmin के केस में जो यूजर नेम है वो होगा admin। हम एक और कॉन्स्टेंट डिफाइन करने वाले हैं, वो होगा हमारा db_password, और मेरे php-myadmin का जो पासवर्ड है वो है admin@123। आपके केस में ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे MySQLi, एक क्लास यूज़ करने वाले हैं। उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम डेटाबेस के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेंगे। यहाँ पर होगा हमारा MySQLi, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे अपने इस MySQLi क्लास को यूज़ करके। अगर हम इसके इंटेलिजेंस को देखें, इसके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर पास करने हैं। इस कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर पास करने हैं, और वो है हमारा होस्ट नेम। उसके बाद हम पास करेंगे यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम। एक एक करके हम पास करते हैं। जो हमारे पास होस्ट नेम में है वो है db_host, मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है यूजर नेम। db_username, ये रहा हमारा सेकेंड कॉन्स्टेंट मीन्स थर्ड कॉन्स्टेंट जो हमने डिफाइन किया है। नेक्स्ट है उसके बाद पासवर्ड, db_password, और फाइनली हमारे पास अगर मैं देखूं db_host, db_username, db_password, और जो फोर्थ पैरामीटर है सेमीकॉलन, फोर्थ पैरामीटर है वो है db_database।
सो सक्सेसफुल तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने इस MySQLi के कंस्ट्रक्ट मेथड को हमने इनिशियलाइज किया है अपने इन सभी वैल्यूज के साथ, और ये सभी वैल्यूज हमारे डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग्स हैं। एक बार सक्सेसफुल तरीके से अगर डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गई तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगी, अदरवाइज ये एक एरर मैसेज थ्रो करेगा। सो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं? सो एज सिंपल एज दैट, मैं टाइप करूंगा प्रिंट आर और मैं लिखूंगा MySQLi, जो कि एक इंस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे इस MySQLi क्लास का। सो अगर मैं इसे सेव कर दूं, हम इस फाइल को अब एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे, एक डुप्लीकेट टैब ओपन करने वाले हैं, और अगर मैं टाइप करूं फाइल नेम db-config.php, एंटर प्रेस करूं, अगर मैं इसे थोड़ा फॉर्मेट कर दूं यूजिंग PRE टैग, सो यहाँ पर देख सकते हैं अफेक्टेड रोज इक्वल्स टू जीरो, क्लाइंट इन्फो मीन्स हमारे पास काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हैं, कोई भी एरर नहीं है, इट मीन्स सक्सेसफुल तरीके से ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दूँ लाइक लोकल होस्ट 1, या अगर इम्प डीबी 1 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर मैं इसे सेव करूँ, ब्राउजर पर जाऊँ, रिलोड करूँ डुप्लीकेट टैब ओपन करने के बाद, तो हम देख सकते हैं हमारे पास MySQLi ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, बट दिस टाइम हमारे पास ओनली 3 कीज हैं और सक्सेसफुल कनेक्शन में हमारे पास काफ़ी सारे कीज हैं। जब एक बार कनेक्शन फेल्ड हो गई उस केस में हमारे पास कनेक्ट एरर एक प्रॉपर्टी रिटर्न हुई है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसके अंदर जो मैसेज है वो है अननोन डेटाबेस php_imp_db1। सो इसी लॉजिक को यूज करके हम यहाँ कनेक्शन भी चेक कर सकते हैं। सो हम कैसे चेक करें? इफ MySQLi जो कि एक ऑब्जेक्ट है, हम देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमारे पास प्रॉपर्टी कनेक्ट _एरर नंबर, हम कह सकते हैं इसे, अगर मैं इसे कॉपी करूँ, सो MySQLi ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमारा जो प्रॉपर्टी है कनेक्ट एरर नंबर, इस केस में हमारे पास एक वैल्यू है, बट अगर मैं बात करूं सक्सेसफुल कनेक्शन का, उस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0। सो इसे हम कैसे चेक करेंगे? अगर कनेक्ट एरर नंबर में अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स सक्सेसफुल तरीके से डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं हुई। सो उस केस में हम एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेंगे। सो डाई फेल्ड टू कनेक्ट टू डेटाबेस, और अगर एरर मैसेज प्रिंट करना हो, हम यूज़ करने वाले हैं उस की को जो कि है connect_error। मैं इसे कॉपी करूँगा, एडिटर पे जाएंगे हम, MySQLi ऑब्जेक्ट, और हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। अदरवाइज मैं एक else ब्लॉक डिफाइन करूँगा फिलहाल के लिए ताकि हम टेस्ट कर पाएँ। H3 टैग, और अगर मैं फिलहाल के लिए स्टैटिक मैसेज डाल दूं लाइक डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, सो हम इसे सेव करने वाले हैं, ब्राउजर पे जाएंगे, जो हमने डिटेल पास किया है उसमें एक मिस्टेक है, सो ये सक्सेसफुल तरीके से कनेक्ट नहीं होगी। अगर मैं जाऊं रिलोड करूं, फेल टू कनेक्ट डेटाबेस अननोन डेटाबेस php_imp_db1, अगर मैं डेटाबेस के नेम को एग्जैक्ट वही नेम कर दूं बट यूज़र नेम थोड़ा डिफरेंट कर दूं जो कि एक्सेस नहीं करता और इससे हम लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे, मैं जाऊंगा रिलोड करूंगा, सो फेल टू कनेक्ट टू डेटाबेस एक्सेस डिनाइड। सो वहीं अगर हम करेक्ट डिटेल पास करें, ब्राउजर पे जाएं, रिलोड करें, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। सो सक्सेसफुली गाइज, हम देख सकते हैं कि जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया था उसे हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, MySQLi ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम अपने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज टेबल के साथ। सो हम इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल db-config.php को अपने हर उस फाइल में लोड करेंगे जहाँ भी हमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की नीड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एड एम्प्लॉय की, सो इस पेज के थ्रू हमें अपने एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करना है,
हम इस फाइल को सबसे पहले इसके साथ इंक्लूड करेंगे, इस पर लोड करेंगे। लोड करने के बाद हम इस MySQLi ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और अपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद, अपने क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के बाद हम एम्प्लॉयज़ को अपने डेटाबेस टेबल में सेव भी करेंगे। सो ये सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम अपने आने वाले वीडियोज़ में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।